तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत तो सुबह ही हो गई थी, बट मैं आपका वेलकम अभी कर रही हूँ। और आप मेरे पीछे देखो, थोड़ा यहाँ ना, यहाँ देखो, सीलन बहुत है इस रूम में, क्योंकि ये गवर्नमेंट क्वार्टर है और यहाँ पे ना सीलन काफ़ी रहती है। खैर, कोई नहीं। और अभी को दिखाती हूँ मैं, वो भी ना फ़ोन पे बिज़ी हो गई। ये अब के बच्चे ना, मैं वही सोचती यार, हम लोग कितना अच्छा टाइम था ना, जब फोन ये चीज़ें नहीं थी हमारी लाइफ में। मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, आप फोन देखते हो। आप मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, देखो, फिर आपके पापा देखेंगे, बोलेंगे अभी कितना गंदा बच्चा है। वो तो देखो सब बोल रहे हैं, हेलो गाइस बोलो बोलो, अभी अभी हेलो गाइस बोलो। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलती हूँ मैं आपको। और जैसे जैसे ठंडा हो गया, वैसे वैसे अब नाश्ता करने के बाद जो है नींद बड़ी अच्छी आती है। क्या गिराया? अभी यहाँ देखो, यहाँ तो देखो क्या गिरा दिया आपने। अभी यहाँ देखो, अपनी स्वेटर दिखाओ, क्या बन रखे आपके स्वेटर पे दिखाओ। इधर देखिए, इधर दिखाओ, इधर कैमरे पे। वाह, ये क्या है? ये ये तो तो है। नहीं है। ये देखो मेरी स्वेटर पे क्या है, देखो। तो फ्रेंड्स, हमारा हो गया अभी नाश्ता, और मिष्टी जा रखी स्कूल, इसके पापा जा रखे हैं ऑफिस। और यहाँ पर देखिए आप, अभी ना घर के आगे खेलना इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, बस एक जगह से दूसरी जगह, और जैसे बच्चे होते ही है। और देखिए आज मौसम ना बहुत ही गंदा हो रखा था, क्योंकि बादल भी लगे हुए थे और धूप 2 दिन से सही से आ ही नहीं रही है, और कपड़े सुखाने की भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और ये देखिए अभी ना वहाँ पे ना मिट्टी में खेल रहा है। तो बच्चों को जो है ना एक जगह पे बिजी रखना बहुत ही टफ काम है। अभी देखो वहां पुलिस की गाड़ी आ रही है, वहां से जल्दी आओ इधर। अभी यहां देखो, जल्दी आओ, उधर भागो, चलो चलो, 1 2 3 गो। क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर ना अभी आ गया घूम फिर के घर, और अब फिर से ना किसी गेट से बाहर निकल जाएगा। और इसके साथ ना दिन भर का यही काम है कि गेट बंद करते रहो, नहीं तो ये किसी ना किसी गेट से बाहर खिसक ही जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही करता है मेरा और अभी का दिन भर का टाइम, क्योंकि मिस्टी का आने का टाइम है 2 बजे। तो तब तक हम ऐसे ही बिजी रहते हैं, और अंदर में मैं इसे बाहर ही रखती हूँ ज़्यादातर दिन के टाइम पे, नाश्ता करने के बाद तो 1 2 घंटे बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि अगर अंदर रखना है तो बच्चे फिर टीवी फ़ोन फिर यही चीज़ें चाहिए होती है। तो बाहर ऐसा हो जाता है कि कभी अपने खिलौने में बिजी है, तो कभी इधर उधर घूमना, तो बस इन चीज़ों में व्यस्त हो जाता है बच्चा। पर आज जो है घर से आ रहा था कुछ सामान, और दिखाऊंगी मैं आपको। और तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर में जो है उत्तरकाशी चिन्याली सौड़ में मेरी सासू जी रहती है। वैसे मैं सासू जी नहीं बोलती हूँ, मैं माँ जी बोलती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है, वो कुछ भी चीज़ होती है घर में तो भेजते रहते हैं माल्य, और आज भेजी उन्होंने माल्य, सब्जी वगैरह भेज रखी थी, और चीज़ भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो काफ़ी बढ़िया लगता है, क्योंकि अब खैर जब तक वो है शायद तभी चीज़ें तभी तक ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, खाने को मिल रही है घर की चीज़ें, क्योंकि उसके बाद तो खैर वैसे ही हो जाएगा। बट भेजती रहती है माँ जी कभी कुछ कभी कुछ। तो माँ का मन वैसे होता ही ऐसे कि कुछ भी चीज़ होती है घर में तो माँ जी का ध्यान जाता है कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ हैं। और तो फ्रेंड्स, आजकल मैंने बीच में कुछ दिन वीडियो नहीं डाली थी किसी वजह से, तो मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेज आ रखे थे कि वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो तुम। तो अच्छा लगता है ये देख के कि आप लोग वीडियो का वेट करते हो, और ख़ासकर जब कमेंट्स आते हैं, तो मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा ये देख के कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स करके थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है तुम्हारी आजकल। तो वो तो कुछ वजह थी जिस वजह से वीडियो नहीं आई, बट अब कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी वीडियो डालती रहूँ। तो फ्रेंड्स, ये बाहर वाला कमरा है, और ये थोड़ा फैल रखा था, और आप देख ही रहे थे अभी तक, अभी ने जो है यहाँ पर ये कुशंस वगैरह नीचे फेंक रहा था बार बार,
और फिर थोड़ा सही करके तो अब हम आ गए अंदर। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर जो सामने फोटोज रखी हुई है वो फोटो दिखाती हूँ मैं आपको। और ये देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले जो फोटो है ये वाली, ये है मेरे ससुर जी और मतलब पिताजी बोलती थी मैं तो। हमारे गढ़वाल में वैसे पापा को पिताजी बोलते हैं तो मैं ससुर जी को भी पिताजी बोलती हूँ। और ये है हमारी शादी की फ़ोटो और ये है मेरे हस्बैंड और यहाँ पर साइड में जो है माँ जी पिताजी इनकी फ़ोटो। फ्रेंड्स ये देखिए साजी ने यहाँ पर जो है घर से भेजी थी कुछ सब्जियाँ और ये दिखा रही हूँ मैं आपके साथ। तो इसलिए बोल रही थी मैं कि माँ का मन ऐसा होता है ना कि जो भी चीज़ें घर में होती है तो माँ जी जो है हर चीज़ जो है हमारे लिए भेजती रहती है, मतलब कोई भी। और ये सब चीज़ें हमारी घर की है, ये नींबू वगैरह आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े नींबू होते हैं हमारे वहाँ पे। और इस बार माँ जी ने ना मिष्टी को जो है घर की चीज़ें खानी बहुत पसंद है, जैसे गढ़वाल में जो है चिवड़ा होते हैं। और ये देखिए गहत की दाल भी दे रखी है और ये आप लोग बताना कि ये क्या है, ये चिवड़ा के साथ डाल के खाए जाते हैं और आप इनका कलर देख के या जो भी है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि ये क्या चीज़ है। तो मैं इसका नाम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जब भी माँ जी सामान भेजती है तो नमक भी भेजती है क्योंकि घर के पीसे हुए नमक का स्वाद ही कुछ और होता है और ख़ासकर सिलबट्टे पे। तो फ्रेंड्स ऐसा रहा हमारा आज का दिन। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स मिलती मैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ओके बाय बाय।